ओके ठीक सर। है? और कोई हो जिनका ना आया हो, कोई और रीजन, रीजन वाइज हम बात कर लेते हैं। चलिए, आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट निकाल चुके होंगे। सबसे पहले आप लोग अपना मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट निकालिए, खुद निकालना है, खुद चेक करना है, मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा। सबसे पहले 10th का मार्कशीट निकालिए। निकाल लिया आप लोगों ने? जी सर, जी सर। अभी आप लोग चेक करें उसमें कि आपके मार्कशीट में आपका नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है। नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है? किसी जी सर, करेक्ट है। का नाम करेक्ट ना हो तो वो हाथ खड़ा करें या वो बताएं, ठीक है? ऑल ऑल वेल या ऑल इन वेल? प्रणाम सर, प्रणाम, गुड इवनिंग जी सर। जी प्रणाम, खुश रहिए। ठीक है, जबरदस्त चर्चा चल रही है। अनु जी बस सुनते जाइए और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो करिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आप निकालिए और उसमें आप सबसे पहले अपना नाम चेक करें, ठीक है? जी सर, नाम आप सबका, किसी का नाम गड़बड़ हो तो मुझे बता दें। नाम के बाद आप चेक करेंगे पिताजी का नाम। चेक किया आपने? जी सर, सब ऑल ओके। इसके बाद आप देखिए आपका जो ये वो लेटर है, मतलब मार्कशीट है, उसमें डेट ऑफ इश्यू लिखा है कि नहीं लिखा है। जनरली जो स्टेट डेट ऑफ बोर्ड के इश्यू होंगे, है सबका लिखा हुआ है? जिसका ना लिखा हुआ है वो बोले, सर, बाकी सब अपना चेक करें, साइड में रख ले। ठीक हाँ सर, है, दिनांक से लिखा हुआ है, डेट ऑफ इश्यू तो नहीं है, दिनांक लिखा हुआ है। एक ही वही डेट और दिनांक एक ही चीज होता है। क्या लिखा है उसमें? ठीक ओके सर, है, किसी सिक्स का सेवन ऐसा, टू ठीक हाँ है? देखिए मैं एक चीज बता दूं, आईसीएसई बोर्ड के जो लोग हैं, जिन्होंने भी आईसीएसई से लिखा है, उनका नहीं लिखा होगा, उनका डेट नहीं लिखा होगा, सिर्फ साल मेन लिखा लिखा होगा। हुआ है। आईसीएसई बोर्ड वालों का डेट नहीं लिखा है वो लोग। क्या मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ। मेरे मित्र हैं गोरखपुर में, दिव्यांशु जी, उन्होंने कल रात में मेल किया था आईसीएसई को, तो उनके पास फोन आया था। आईसीएसई ने बताया कि वो एक जनरलाइज्ड निकाल देंगे लिस्ट, मतलब 2020 में जिनका हुआ है उनका इस डेट को रिलीज हुआ है, 2021 को। तो आप लोग सभी लोग आईसीएसई के वेबसाइट पे देख लें, वहां से ईमेल निकाल करके और अपनी अपनी क्वेरी भेज दें। सर मेरे में भी नहीं लिखा हुआ है, प्लीज अरेंज। क्लियर है? सर, मेरे में भी दिनांक है सर, इश्यू डेट नहीं है, दिनांक ही लिखा है दिनांक सर। ही, दिनांक ही तो इशू डेट होता है, और क्या होता है? कोई सर, डेट लिखा है ना उसमें? यस सर, यस सर, लिखा है। हाँ, बस डेट होना चाहिए। क्लियर है? वो एक बगल में आप लोग पेपर रखिए, व्हाइट पेपर, उसमें नोट करते चलिए जो कमी लिखे। हाँ बोलिए। सर, रिजल्ट में तो डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ ईयर मेंशन है, और आपका कौन सा सर्टिफिकेट बोर्ड में है? डेट शालिनी, है। सर्टिफिकेट जी में डेट है ना? जी सर, ठीक है, सर्टिफिकेट में होना चाहिए, रिजल्ट में ना भी हो तो सर्टिफिकेट में होना चाहिए। ठीक जी सर, है, नेक्स्ट इसको साइड में रखिए और अगला डॉक्यूमेंट निकालिए, क्लास 12th का मार्कशीट पहले निकालिए। 12th के मार्कशीट में आप लोग अपने अपने नाम देख लें पहले, नाम आपका सही लिखा है? जी सर। चलिए नाइस, नाम सही लिखा हुआ है। अब पिताजी का नाम और मम्मी का नाम एक बार चेक कर लें, जो भी लिखा हो, कई बार नहीं भी लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद आप उसमें अगेन उसका सर्टिफिकेट देखिए, सर्टिफिकेट में इश्यू डेट है या नहीं है। जिसका नहीं है नोट डाउन करेंगे, अपने पास जो पेपर रखा होगा उसमें नोट डाउन करेंगे इश्यू डेट नहीं है, फिर उसके लिए अलग से मुझसे बात कर लेंगे। आईसीएससी बोर्ड सेम प्रॉब्लम, आईसीएससी बोर्ड को मेल करिए, वहां से आ जाएगा। स्टेट बोर्ड, जी गो टू सर, योर मैंने भी स्कूल। मेल किया था हाँ आईसीएसई बोर्ड में, तो उनका रिप्लाई हाँ आया है सर। आया है, बहुत सुंदर, आ जाएगा। दिव्यांशु से आपने बात किया होगा ना? जी सर, किया था मैंने। ठीक है, दिव्यांशु बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और दिव्यांशु जी गोरखपुर में हैं तो काफी मददगार हैं लोगों की। ठीक जी है, सर, उनसे फाइन, मिलने भी वाले हैं जल्दी। मिलिए मिलिए। वो तो बेचारे हमसे मिलने के लिए नेपाल बॉर्डर से गोरखपुर आए थे पिछली बार। ठीक है, हमारी चलिए, मुलाकात इस बार हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए, कम बैक टू ग्रेजुएशन मार्कशीट देखिए आप लोग, नम अंक तालिका में देखिए,
आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा है, वो लोग कृपया चेक कर लें कि आपके उसमें 200 नंबर का या 100 नंबर का कम से कम पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है चेक कर लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करेंगे आप पेपर में। अब उसमें क्या है, जो आप लोगों ने चेक कर लिया, अब उसमें आप ये चेक करेंगे कि आपका जो मार्कशीट है उसको उल्टा करिए, रिवर्स साइड में देखिए, या फिर फ्रंट में जहां आपका नाम लिखा होता है कई बार वहां मीडियम लिखा रहता है, यूपी से जो लोग हैं, राजस्थान से जो लोग हैं, इवन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी शायद मीडियम मेंशन रहता है, एक बार जांच लें आप लोग मार्कशीट में देखिए जी सर, जी सर है। है। वेरी नाइस, जिनका नहीं है वो पेपर में नोट करेंगे, बाद में हमसे वन टू वन कल चर्चा कर लेंगे। अभी किसी ने मैसेज किया था मुझे, बोले मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, किसी ने मैसेज किया, मेरी तो 800 अंक की है, किसने किया है? हाँ सर मैंने क्या है, सोनू जी बताइए। मैंने लिखा है कि मेरी अंग्रेजी 3 साल थी 800 नंबर की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, हाँ और मेरी हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट थी, तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थी, लास्ट फाइनल ठीक ईयर में है, नहीं कोई थी दिक्कत सर, नहीं, 200 नंबर की। आपके आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है कि नहीं आपने हिंदी पढ़ा है? हाँ, मैंने लिखा हुआ सर, हिंदी पढ़ा मैंने लिखा है। ठीक है फाइन। सुनीता गुप्ता जी कुछ कह रही हैं, आपको क्या डाउट है? चलिए सनोज जी आपको क्या डाउट था? सर एक सर डाउट मुझे, एक मिनट अंशु, एक मिनट सनोज जी बोलिए। हमारे जो डिग्री मार्क लिस्ट में मीडियम तो नहीं है, लेकिन कॉमन कोर्स इंग्लिश, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स हिंदी, उसी वो लिखा है। लिखा हुआ है फाइन, अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कॉलेज से, जिनके में नहीं लिखा हुआ है, पॉसिबल हो तो अपने कॉलेज से आप लोग एक मीडियम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कॉलेज आपको लिख के दे देगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज और हर स्टडी सी और ही हैज स्टडीड जो सब्जेक्ट्स है इन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, जरूर लिखा लीजिए, 2-3 दिन वो लोग दौड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाथ पैर जोड़ लीजिए, रो लीजिए, बट ट्राई टू अटेंड। हाँ बोलिए। सर मेरा मीडियम तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे हाँ पास 3ों साल हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर बीए में रहा था मेरे पास, लेकिन ठीक है, मीडियम मीडियम नहीं लिखा सर इसमें, कहाँ लिखा होता है सर इसमें मीडियम? मीडियम कई बार लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता है, आप हाँ, कॉलेज से एक बार बात कर लीजिए। लेकिन सर मेरे 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 मैं 3ों साल तक है ना हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर मेरे साथ मेरे पास रहा था, तो ये चल जाएगा? चल जाएगा, लेकिन देखिए चूंकि ये प्रशासनिक मामले हैं और कई बार प्रशासनिक अधिकारी रूढ़ हो जाते हैं, नहीं जी आपको मीडियम सर्टिफिकेट लाना होगा क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में मैंने लिखा है, वो ऐसे कहेंगे एडमिट कार्ड में लिखा है तो बेटर है अपने कॉलेज से ले लीजिए। अंशु आपका प्रश्न क्या था? अंशु सर मेरा क्वेश्चन हाँ ये है कि जैसे फर्स्ट ईयर में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश था सर, पचास हाँ पचास 200 नंबर का, हाँ सर हाँ वो फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया था, तो वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में है, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन मार्कशीट में सर जो 3 सब्जेक्ट थे पासपोर्ट में सिर्फ वही मेंशन है, तो अच्छा, एमए फर्स्ट आपका ईयर किसमें है? एमए किसमें सर? अंशु? एमए में पब्लिक एमए हिंदी इंग्लिश, सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका लैंग्वेज क्या था? सर हिंदी था। तो वो लिखवा लीजिए, एमए का हाँ लिखवा सर, वो लीजिए, मीडियम सर्टिफिकेट बनवा लिया सर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का। बस फाइन। देखिए अंशु ने बहुत अच्छा किया है, आप में से भी किसी का स्पीकर ऑन है प्लीज ऑफ करिए स्पीकर, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, सर आप में अभी से भी, बनवाया। हाँ बहुत अच्छा काम किया अंशु, आप में से जिसने भी नहीं करवाया अभी आपके पास 10 दिन का समय है, प्लीज गो अहेड और बनवा लीजिए, आप ये मत सोचिए कि मैंने हिंदी पढ़ा है, वहां वो बोल देंगे भाई दिखाओ तो बेकार में सर वहां सर फजीहत। हाँ बोलिए चंदन बोलिए। सर मैं बोल रहा था सर, लास्ट टाइम मैं जब गया था डीवी के लिए तो उन्होंने हाँ मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपने जो इंग्लिश जनरल पढ़ा है वो क्या हाँ 3ों साल पढ़ा है, तो देखिए सबसे मैंने बड़ी बस गलती है हाँ उसकी हाँ चंदन में हाँ जी, मैंने मिला दी थी। चंदन जी मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे जो ऑनर्स करने वाले लोग हैं उनसे जब पूछा जाता है कि आपने हिंदी पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है तो बोलते हैं सर मैंने ऑनर्स पढ़ा है, और वही मामला गड़बड़ हो जाता है, आप ऑनर्स पढ़े जब कहीं और जाइए, आप यहाँ आपको सिर्फ ये बोलना है, धर्मवीर जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, शुभम जी जब आपसे पूछा जाए इंग्लिश पढ़ा है, यस सर, चंदन जी ने जैसे पिछले साल का, हिंदी पढ़ी है, यस सर, डोंट टेल कि मैंने ऑनर्स पढ़ी है, नहीं सर, तो वो पूछ ऑनर्स रहे थे कि नहीं सर, वो पूछ रहे थे ऑनर्स पढ़ा, नहीं ऑनर्स नहीं पूछे, बोले सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है, कितने साल तक पढ़ा है,
तो मैंने बोला सर पढ़ा इसमें लिखा है सर, जो लिखा आप देख लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने साल पढ़ा है क्या पढ़ा है, मैंने ऐसे बोल दिया। एकदम एकदम सही तरीका है। उन्होंने फिर अपने से अपने से पुट कर लिया था सर कि मतलब आपने 3 साल पढ़ा है, अपने से खुद से पुट कर लिए थे, मैंने कुछ बोला नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है सर। एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो हमारा फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया था, तो फर्स्ट ईयर के आगे पढ़ा नहीं सर हिंदी इंग्लिश था। अंशु आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैंने कंपलसरी पढ़ा, इलेक्टिव पढ़ा, ठीक है। आपको सिर्फ ये बोलना है हिंदी पढ़ी, यस सर, यस सर, और नो सर के अलावा कुछ नहीं बोलना है वहाँ। नहीं सर, अगर वो ऐसे पूछेंगे तो 3 साल पढ़ा है। बोलिए सर, मार्कशीट में देख लीजिए और आपके उससे मिला लीजिए एडवर्टाइजमेंट से। ओके सर, ठीक है। श्रीवास्तव साहब प्रणाम, ऋषिकेश वाले बाबा जी को हमारा भी प्रणाम कहिएगा, ऋषिकेश से श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका ग्रेजुएशन, आप लोगों ने मार्कशीट चेक कर लिया। अब आइए, आपके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशू है। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए, कुछ सर। मेरा ग्रेजुएशन में 3 साल का इंग्लिश था और हिंदी से ग्रेजुएशन किया है ऑनर्स, तो मुझे भी मीडियम सर्टिफिकेट ले जाना होगा क्या? होल्ड ऑन, खुशबू ऑनर्स नहीं बोलना है प्लीज, नहीं तो वहाँ जाके आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, हिंदी पढ़ा है सर। 3 कितना साल पढ़ा है सर? 3 मतलब 800 के पेपर थे हिंदी के और 300 के पेपर थे इंग्लिश के। 2 साल इंग्लिश पढ़ा। मैं एक चीज बता देता हूँ, जब वो आपको लिख के दे रहे हैं एडमिट कार्ड में कि यू शुड ब्रिंग ए मीडियम सर्टिफिकेट, तो आंख बंद करके ले जाइए, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम उनको ना कर सके। और एक बात, कैंडिडेट है। हाँ बोलिए। जैसे मैंने प्रेसिडेंसी से पढ़ा, प्रेसिडेंसी से पढ़ी हूँ सर, तो उस समय वो कॉलेज था, ठीक है, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी हो गया, तो मैंने मीडियम सर्टिफिकेट ऐसे निकाल लिया है, लेकिन मैंने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से निकाला है, तो क्या मुझे सीयू से भी निकालना होगा? नहीं बाबा नहीं, कहीं से होना चाहिए, वो सब प्रशासनिक मामलों में लोग खाली देखते हैं, हाँ जी हैगा, खत्म बात, ठीक है। सर मेरा जो मास्टर डिग्री का है उसका भी हमको मीडियम सर्टिफिकेट बनवाना है क्या? अरे बनवा लीजिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल को कोई झंझट हो उससे अच्छा है कि सेफ जोन में रहिए। जैसे मेरे पास इंग्लिश से मैंने एमए किया हुआ है, तो उसका फिर सर्टिफिकेट कैसे लिखवाएं? बोलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, लिखवा लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी में बहुत ऐसे विद्वान व्यक्ति बैठते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है, मैं फेस किया हूँ, जो बोलेंगे अरे जी आपने इंग्लिश एमए किया लेकिन इसमें मीडियम कहाँ लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, प्रशासनिक मामलों में कई बार ऐसा होता है लोग रूड हो जाते हैं, एक जड़ पकड़ लेते हैं कि नहीं जी हम यही करेंगे। और सर पीजीडीटी में उन्होंने ये भी पूछा था कि आपका कहीं लिखा हुआ है कि आपने ट्रांसलेशन किया है ऐसा कुछ? मैं आता हूँ एक एक स्टेप पे। ग्रेजुएशन कम्प्लीटेड, धर्मवीर साहब आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। ग्रेजुएशन कम्प्लीटेड, अब हम आते हैं एमए के लिए। एमए में सर मीडियम अगर पोस्ट ग्रेजुएट में की वो तो प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, वो वाइस वर्सा वाला कंडीशन है। अब आते हैं हम एमए का मार्कशीट, आप लोग निकालिए, रिलीजियसली निकालिए, देखिए और रखिए। सर आप डिग्री का बता रहे थे, डिग्री का बता रहे थे आप, डिग्री का मैंने बता दिया कि डिग्री में आप देख लीजिए मीडियम नहीं लिखा है, कॉलेज से मीडियम मांग लीजिए, ठीक है। उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम ठीक ठाक है कि नहीं है, स्पेशली आपका नाम ठीक है कि नहीं, पिताजी का नाम गलत भी हो तो चल जाता है, करेक्शन उसका एफिडेविट दे देते हैं, आपका नाम ठीक है, ठीक है। और मेरा हाँ नहीं, वो मैंने डिग्री अभी दोबारा मंगवाई है, मेरा नाम गलत था डिग्री में, तो अभी इश्यू डेट गलत था, दोबारा मंगवाई, कोई बात नहीं। पुराने वाले की कॉपी है आपके पास? है, पुराने वाले की कॉपी, वो साथ ले जाइएगा। सर ये मैंने चेंज के लिए बोला था और ये अभी इशू हो गया है, ठीक है, वो ले जाइएगा संतुष्टि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। अब आप आ जाइए पीजी में, पीजी में भी देखिए आपका लिखा हुआ है डेट, लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है? जी सर। जिसका नहीं लिखा हुआ है ट्राई टू मैनेज, एक मेल कर दीजिए, बोलिए सर मैंने मेल किया है, गिव मी टाइम, मैं बाद में आपको उपलब्ध करा दूंगा या करा दूंगी, ठीक है। मार्कशीट चेक कर लीजिए आप लोग, मार्कशीट में नाम वगैरह सही हो, पीजी तक क्लियर है, एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है सर। सर एमए का भी मीडियम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? मैंने आपको पहले ही बोला कि देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं वो लकीर के फकीर हो जाते हैं, लोग हंसे तो हंसने। ग्रेजुएशन का हम बना लिए हैं,
मैं कहीं बना लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लकीर का फकीर, वो लाइन लिखा हुआ है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में ये लिखा हुआ है कि हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले को नहीं बनवाना है तो नहीं बनवाना है, अदरवाइज डोंट चेक इट, डोंट टेक ए चांस, रिस्क मत लीजिए। लकीर के फकीर होते हैं लोग, वहां से मना कर देंगे। मेरे पास सब कुछ था, उसके बावजूद उन्होंने मुझे मना किया था। तो ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा ना हो। हर्षिता आपका शायद स्पीकर ऑफ है, आवाज जी। सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। वो दरअसल मेरे ना जब 10th 12th में फादर का नाम उन्होंने एस के शुक्ला लिखा है, बट ग्रेजुएशन में ना संजीव शुक्ला उनका नाम लिखा है। मेरे ग्रेजुएशन में मेरे पिताजी का नाम पी के शुक्ला लिखा है और सारा बाकी कागजात में प्रभात कुमार शुक्ला लिखा है। मैं रेलवे वालों ने एकमात्र आपत्ति किया था, तो उन्होंने रास्ता दिखाया, बोला एक एफिडेविट करा के दे दो कि पीके शुक्ला एंड जैसे आपके केस में एसके शुक्ला और संजीव जो पिताजी का नाम बताइए आप, तो बोथ आर सेम, एक एफिडेविट बना के रख लीजिए, नोटरी से साइन करा के, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? देखिए मीडियम सर्टिफिकेट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत झेल चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई वहां जाए। ये क्रूशियल समय है, निराशा नहीं आप लगनी चाहिए कि सर्टिफिकेट के लिए आपको बाहर कर दे। पीजी तक का कोई डाउट है तो बोल पूछे, नहीं तो आगे बढ़ू मैं। सर पीजी की मार्कशीट में पापा की स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। शुभम एक मिनट, पापा की स्पेलिंग गलत है अंशु, एफिडेविट करा दीजिए। सर ई नहीं लगा हुआ, लास्ट एक एफिडेविट करा के रख लीजिए, ठीक है। शुभम जी आपका प्रश्न, शुभम एमए हिंदी से था सर, तो उसके लिए तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जरूरत नहीं, मैं बोला लकीर के फकीर होते हैं प्रशासन वाले, कॉलेज को बोलिए साहब लिख दीजिए, वो लकीर के फकीर है, इसमें लिखा है वही मांगेंगे, ठीक है। चलिए निशु मैं आपको बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए। एक चीज और पूछने थी, वो मार्कशीट में तो मीडियम लिखा है लेकिन डिग्री में मीडियम नहीं लिखा। मार्कशीट में लिखा है ना, दैट इज सफिशियंट, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। सर्टिफिकेट लिटरली आप लोग निकालिए और चेक करिए, मेरी बात सुन के अगर रख देंगे तो कमी रह जाएगी। पीजी डिप्लोमा का मार्कशीट निकालिए आप लोग, सबने निकाल लिया? अब उसमें चेक करिए जहां आपका नंबर लिखा रहता है, वो जो बॉक्स रहता है उसके नीचे वाइस वर्सा टाइप किया हुआ रहता है, अगर आपने इग्नू से किया है तो लिखा होगा, चेक करिए किसका नहीं, वो मुझे बताएं। मेरा नहीं है सर, ज्योति। खुशबू आपने कब किया है पीजीडीटी? सर मैंने किया था 2017 में। 2017 में, तो आप इग्नू से मांगिए, मेल करिए। रीजनल सेंटर आपका कौन सा है? कलकत्ता ना? जी सर। आप एक मेल करिए दिल्ली और एक मेल करिए कलकत्ता और उनसे मांगिए, वो लोग एक जनरलाइज्ड टाइप आपको बना के दे देंगे। लेटर हेड में मांगिए, ऐसा नहीं कि प्रोस्पेक्टस में साइन करके दे देंगे, वो चल रहे ना, बकायदे लेटर लिखिए कि सर एसएससी हैज रिक्विजिशन फॉर द मीडियम सर्टिफिकेट और जो भी है, हेंस इट इज रिक्वेस्टेड टू इशू। नहीं देते हैं 10 रुपए लगा के, एक आरटीआई लगा दीजिए आ जाएगा, ठीक है। जो लोग अदर यूनिवर्सिटी से किए हैं, किसी का जैसे यूपी राजश्री टंडन से है या किसी का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से है, उनका भी मान्य है, लेकिन वो लोग भी अपने संस्थान से अनुरोध करके ये सर्टिफिकेट निकलवा लें। अब उसमें देखिए इशू डेट लिखा हुआ है जी सर, और साथ में डिक्लेरेशन डेट नहीं लिखा होता है उसमें इग्नू वाले ने, ठीक है। पेपर रखिए बगल में, उसमें नोट करिए, अगर कमी है तो नोट करिए, बाद में मुझसे वन टू वन आप बात कर सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन कर दूंगा, ठीक है। पीजीडीटी कंप्लीटेड सर, सिर्फ डेट लिखा हुआ है, इशू डेट नहीं लिखा हुआ पीजीडीटी वाले में। डेट लिखा है ना, डिक्लेरेशन डेट क्या लिखा है उसमें, या साइन के नीचे डेट है सर, है ना, इसमें टर्म एंड तो जनवरी 2022 दिसंबर 2020 है और इशू डेट 2/6/2021 है। ओ ठीक है, इशू डेट मान्य नहीं होता उसमें, 2020 मान्य होता है। बोनाफाइड आपने ले लिया है सर? जी सर ले लिया, बोनाफाइड ले लिया सर इग्नू से। हाँ एक चीज और मैं आप लोगों सबको बता देता हूँ, जिन्होंने इस साल इग्नू से किया कोरोना के कारण उनका लेट हुआ है, तो ऐसे लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट इग्नू से मान लें कि मेरा जो सेशन है दैट वाज दिसंबर 2020 और एग्जाम वाज पोस्टपोन ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, अगर ये इग्नू लिख के दे देती है तो समटाइम्स आपको कंसीडर कर सकते हैं एसएससी वाले। बहुत लोग ऐसे रीजनल सेंटर वाले ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत जल्दी बना के दे दिया बोनाफाइड। बिल्कुल आप लोग आपस में चर्चा करके बनवा लें। आपका 10th क्लियर,
ट्वेल्थ क्लियर्ड, ग्रेजुएशन क्लियर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर्ड, पीजीडीटी क्लियर्ड। अब हम आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की ओर। सबसे पहले आप में से जो लोग ओबीसी हैं वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट निकालें और देखें उसमें कि उसका ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर के फॉर्मेट में है या नहीं है। एसएससी के वेबसाइट पर एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर है कि नहीं है। नहीं है तो ट्राई टू गेट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार के फॉर्मेट में जो इशू होता है उत्तर प्रदेश में हिंदी में है, राजस्थान में इंग्लिश में है, वो चल जाएगा, लेकिन एसएससी इंसिस्ट करती है कि हमारा जो फॉर्मेट है इस पे रहे। पुराना हो एक बार आप अपने तहसीलदार से निवेदन करके फॉर्मेट में भी साइन करा लीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ओबीसी में हैं और जो लोग ईडब्ल्यूएस में हैं, आपका सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर मान्य होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक, आप लोग नौकरी लगे या ना लगे, हर फाइनेंशियल ईयर आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाते रहेंगे, ठीक है? आप लोगों ने चेक किया? हाँ बोलिए। ओबीसी का तो 3 साल रहता है सर, यूपी नहीं का। मैडम नहीं मैडम, आप भ्रम में हैं, भ्रम मत पालिए। आप ध्यान दें सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फॉर्मेट है वो एक फाइनेंशियल ईयर रहता है। इसका कारण क्या है कि हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में आपकी आमदनी 50 लाख रुपया सालाना हो जाए, तो आप क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे या नॉन क्रीमी कुछ है, मुझे ध्यान नहीं, मतलब सर इसके लिए तो सर, हाँ सर इसके लिए तो ओबीसी सेंट्रल फॉर्मेट हर साल बनाना पड़ता है ना सर, वो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग पहले तारीख तक का। हाँ नहीं नहीं, वो सब धर्म, मतलब वो सब धर्म संकट ना रहे, इसके लिए जैसे ही 1 अप्रैल शुरू हो उसके बाद यथाशीघ्र बनवा लें आप लोग सर। जैसे उसमें किसी भी फॉर्मेट में होगा सर, किसी भी सेंट्रल फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में सर। हाँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे उसमें लिखा हुआ था कि जो हम फॉर्म भरे हैं उससे पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ तो मान लीजिए आपके पास राज्य सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट है, साथ में आप केंद्र का फॉर्मेट, इसीलिए मैंने कहा कि रिस्क सेंट्रल गवर्नमेंट सर, मेरा सेंट्रल का बनाया हुआ है और हाँ। वो 24/7 का है 2020 और फॉर्म भराया था 25/7/2020। तो आपका तो पहले का है, एक दिन पहले का है ना? हाँ मतलब 2020 का है, 2021 में नहीं बना। लेकिन अगर आगे नौकरी करनी है आप, परीक्षा भरना है तो बनवा लीजिएगा, धोखा ना हो जाए। तो सर वहाँ हर साल बनता है, नया नया बनाना पड़ता है। करवाइए मैडम, कुछ नहीं कर सकते, मैं हर बार एक ही प्रोवर्ब बोलता हूँ, बेगर्स हैव नो चॉइस। ठीक है, हमसे बोले कि भाई आपको 8 घंटे की नौकरी देते हैं, 50,000 रुपया देंगे और अनुवाद नहीं करके आपको मिट्टी खोदनी है, क्या करेंगे? कितने लोग मना करके भाग जाएंगे, नहीं जी मैं मिट्टी नहीं खोदता, मैं गाँव जा रहा हूँ। कितने लोग करेंगे ऐसा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी करेगा। इसलिए जो जो नियोक्ता मांगता है वो रेडी रखिए। ओबीसी इज क्लियर्ड, नाउ कम बैक टू एससी एसटी, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो अपना जांच करें। सर मुझे अभी तो इससे हो जाए, मेरा तो क्लियर हो जाएगा ना इससे, जो 24/7/2020 का हो जाएगा। अक्षय बोलिए, खुशबू अब जरूरत नहीं, अक्षय बोलिए। मेरा सर मेरा एसडीएम से बनवाया हुआ, वो सेंटर वाले फॉर्मेट वाला, एसएससी के फॉर्मेट में नहीं बनवाया हुआ। सेंटर का फॉर्मेट वही एसएससी का ही फॉर्मेट है, अंतर नहीं है हर पर, क्योंकि ये डीओपीटी का वो सर्कुलर है उसके अनुसार है। एसएससी अपने पास लगा लेती है, एफसीआई अपने पास, चीज वही रहती है, अलग नहीं है। ठीक है, तो एसडीएम से आपने कराया वो यथेष्ट है। अब आते हैं हम लोग एससी एसटी के सर्टिफिकेट पर। एससी एससी के सर्टिफिकेट में कोई भी वैलिडिटी पीरियड नहीं होती है, ठीक है? तो ऐसे सर्टिफिकेट के जो होल्डर हैं, चंदन जी मैं आपका रेज हैंड दिखा रहा है, तो आपके जो एससी एसटी जो लोग हैं हमारे मित्र, वो लोग अपना सर्टिफिकेट देख लें कि सेंटर के फॉर्मेट में है या नहीं है। नहीं है तो अभी समय, आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि राज्य का फॉर्मेट कई बार एसएससी मना कर देती, बोलती नहीं जी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। चेक कर लें, इसके लिए तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है। अंशु आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, क्लियर है? आप जिसमें कमी हो व्हाइट पेपर में नोट कर लें। नेक्स्ट अब आते हैं हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर। अंशु आप अगर एसएससी की वेबसाइट देखेंगी 2020 का, उसमें ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्मेट दिया हुआ है,
अच्छा सर ओके ठीक है। सर उसमें हर्षिता आपके बनवाना पास है। है AWS? हर्षिता 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 लगता है ऑफलाइन नहीं नहीं जी मेरे सर, पास है सर, मेरे पास है सर, है मेरे पास सर। आप लोग चेक कर लीजिए सेंटर का फॉर्मेट, अनु जी का तो मैं देख चुका हूँ, हर्षिता आप अपना देख लेना या और जो लोग हैं ठीक है। अभी मैंने आप लोगों का मैट्रिक क्लियर कर दिया, 12 क्लियर हो गया, ग्रेजुएशन क्लियर, एमए क्लियर, पीजीडीटी क्लियर एंड कास्ट सर्टिफिकेट इज क्लियर। कोई डाउट है यहां तक? सर मैंने एडवोकेट से बात किया है हाँ तो उन्होंने कहा कि कर लूंगा। वो करा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 250 रुपए लेते हैं, ज्यादा पैसा नहीं चार्ज करते। आप किस सिटी में हैं? मेरे सिटी से कुछ दूर है वो, नहीं मतलब लेकिन कौन सा है, हैदराबाद है आपका, कौन सा प्लेस है? हाँ सर आपका प्लेस कौन सा है, चेन्नई या हैदराबाद? केरला केरला। अच्छा केरला में, तो मुझे कोई मालूम नहीं, अदरवाइज आई हैव अ फ्रेंड इन हैदराबाद, तो मुझे लगा हैदराबाद में होते तो मैं उनको बोल देता एफिडेविट हो जाता है। ठीक है नो प्रॉब्लम, कोई लायर बना देंगे, 200 से 250 रुपए लेते हैं, कोई ज्यादा 300 लेगा ठीक है। नोटरी होना चाहिए ना, नोटरी हो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो तो फार बेटर है, नहीं होता है तो नोटरी करा लिए, ट्राई टू गेट इट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ओके सर ठीक है। बोला सर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ निशु बोलिए। सर जैसे लास्ट ईयर मैंने जब डीवी करवाया था तो जैसे हाँ। मैंने ओबीसी का सर्टिफिकेट उनको मतलब दिखा दिया था, मैंने नेक्सर भी पाया हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे उसको सारे इसको मतलब कैलकुलेट करके उन्होंने फिर भी प्रोविजनल में डाल दिया था, तो इसलिए रिस्क के चांस होते हैं या सर ये प्रोविजनल भी चल जाता है? प्रोविजनल वाला क्या है, आपका जो एम्प्लॉयर है ना जहाँ आपकी नौकरी लगेगी वो फिर वेरीफाई कराएगा कि वो आप सही में ओबीसी में है कि नहीं है। प्रोविजनल वाले भी नौकरी ज्वाइन करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, जो कमी एसएससी ने बताया था वो दूर करके ले जाइए इस बार। जी सर जी जी सर थैंक यू सर। वो शक्ति कपूर जी बोला करते थे डोंट टेक पंगा विथ रंगा। तो चलिए अब हम आते हैं, आप सबके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड निकाल लीजिए आप, आधार कार्ड पे देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ खुदा है कि नहीं खुदा है, डेट ऑफ बर्थ नॉट ईयर है, यस और नो, किसी का नहीं हो तो बता दें। आप मेरी ओर से दो तरह के आइडेंटिटी, हर्षिता आपका आवाज इको है, ये ईयरफोन निकाल के बात करेंगे तो इको नहीं होगा। मेरी ओर से सलाह है आपको कि दो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाइए, एक फेल हुआ तो दूसरा काम आएगा। पैन कार्ड आप सबके पास होगा? नहीं होगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, दो प्रूफ लेके जाइएगा, साथ में 3-4 कॉपी 6-7 कॉपी उसमें लिखा होगा, अगर फोटोग्राफ की डिमांड है तो फोटोग्राफ ले जाइए, आजकल शायद वो फोटो खींच लेते हैं कैमरे से ठीक है, तो फोटोग्राफ चाहिए। अब इसके बाद जो जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास सबका एक एक कॉपी जीरोक्स एक्स्ट्रा रखिए, 2 सेट कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा रखिए इनकेस ऑफ रिक्वायरमेंट, आप वो भी दे सकें, और उसके ऊपर सेल्फ सर्टिफाई करते हैं, अटेस्टेड लिखते हैं सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर देते हैं, नहीं किया है तो नोट करिए प्लीज डायरी में, आपका ये सेल्फ सर्टिफिकेशन आपको लेके जाना है। क्लियर? यहां तक आपका, यहां तक हो गया जो आपको ले जाने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त सबसे मतलब जो ध्यान देने वाली बात है, आपके पास जो एडमिट कार्ड आया है उसको 3-4 बार पढ़ लें, एक एक्स्ट्रा कॉपी रखें, उसको अंडरलाइन कर लें, हाँ ये क्लियर्ड। एक चेकलिस्ट आप बना लीजिए जो मैंने बात किया है एडमिट कार्ड के अनुसार, एक व्हाइट पेपर में चेकलिस्ट बना लीजिए, 1A 2A 3A, और जो जो हो गया है जस्ट टिक करते जाइए, 1 क्लियर 2 क्लियर नंबर 3 गन क्लियर, ऐसे करके सारे गन क्लियर कर लीजिए ठीक है। बस इतनी ही आपकी रिक्वायरमेंट है, उस दिन जाइए तो थोड़ा मुस्कुराते हुए जाइए, ईश्वर अल्लाह या फिर जो भी है उनका नाम लेके जाइए कि प्रभु घबराहट ना हो, और वहां कुछ गलत नहीं बोलना है, यस सर नो सर के अलावा कुछ बोलना ही नहीं, ज्यादा बहस नहीं। अगर आपको वो लोग ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं देन आप बोल दीजिए सर आपका एडवर्टीजमेंट में एक बार चेक कर लीजिए, आपको लगता है आप सही हैं उनका एडवर्टीजमेंट भी सही है लेकिन साहब गलत बोल रहे हैं, तो आप एक बार क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और बी पोलाइट, झगड़ा नहीं करना है कहीं
बोलना है सर आपसे नहीं होता है तो आप अपने उच्च अधिकारी से मेरी बात करा दीजिए प्रेम से, या फिर आप बोलिए सर मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कल आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। क्लियर है? एनी डाउट? किसी और को कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। सर मुझे हाँ अंशु बोलिए। सर EWS अपडेटेड चल जाएगा? अब ले जाइए उसके साथ, अगर मन में संदेह है तो एक एफिडेविट बना लीजिए कि माय स्टेटस को इज मेंटेन्ड फ्रॉम ये टू ये, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है अनुज, आपका प्रश्न क्या था? अनुज सर मेरा तो यही आ रहा सर कि जैसे मेरा BA हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों था, तो उससे हम क्या लिखवा के लाएं मीडियम सर्टिफिकेट पे सर? वो जो लिख के देते हैं ठीक है। और जैसे मेरा इंग्लिश से MA था तो उसमें हम क्या, इंग्लिश का तो इंग्लिश मीडियम हो गया, एडमिट कार्ड पे पढ़ लिखूंगा उसमें। कई बार क्या होता है हिंदी और इंग्लिश वाले को एग्जेम्प्टेड रहता है, नहीं है तो बोल दीजिए सर हिज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज हिंदी फॉर हिंदी एंड इंग्लिश फॉर इंग्लिश एंड फॉर अदर सब्जेक्ट इट वाज इंग्लिश या हिंदी, ऐसे लिखा लीजिए। अच्छा सर, अब मेरे तो मेरे पास तो हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर दोनों था 3 साल तक, सब्जेक्ट कोई नहीं था और उसके अलावा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी का लैंग्वेज क्या था? ज्योग्राफी का लैंग्वेज हिंदी था सर। तो वो लिखा लीजिए ना उनसे। अच्छा अच्छा कुछ लिखा लीजिए, उनको दिखना चाहिए इसमें मीडियम लिखा है। और मास्टर डिग्री का, मास्टर डिग्री तो इंग्लिश में ही थी तो वो तो इंग्लिश डिग्री है तो लिखा लीजिए। देखिए अगर सर्टिफिकेट मिल जाए फाइन, नहीं तो आप बोल सकते हैं सर इंग्लिश में पढ़ा हूँ अब इंग्लिश का मीडियम कैसे दूं। लेकिन मैंने आपको बताया प्रशासन वाले लकीर के फकीर होते हैं, अगर वो बोल दे नहीं जी बिना मीडियम सर्टिफिकेट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो अनुज जी आप क्या करेंगे वहां? आप सही कह रहे हैं सर। तो अपने तरफ से रिस्क मत लीजिए आप लोग, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो लास्ट ऑप्शन। वरुण बोलिए क्या कह रहे हैं? वरुण हेलो सर, मैंने ग्रेजुएशन साइंस साइड से किया है। किससे किया आपने? सर साइंस साइड से किया मैंने। साइंस से किया तो आप उसका मीडियम इंग्लिश रहा होगा या हिंदी था? क्या था सर? इंग्लिश मीडियम था सर। तो वो मीडियम सर्टिफिकेट बनवाइए कॉलेज से सर, पर मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, आफ्टर 10th के बाद हिंदी कभी पढ़ी नहीं है सर। MA भी आपने हिंदी से नहीं किया है? नहीं सर, MA मैंने इंग्लिश से किया है सर। हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं रहा तब फिर आप ट्रांसलेटर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अच्छा सर, यही पूछ रहा था सर। आप MA हिंदी से कर लीजिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कर लीजिए तब। वो तो मैंने कर रखा है। कर रखे तो MA हिंदी से अभी तो 2 दिन आप चूक गया, नहीं तो इग्नू का 16 तारीख तक लास्ट डेट था, एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। सर 31 तारीख लास्ट डेट है अभी, चलिए एडमिशन ले सकते हैं। हाँ वरुण आप MA में एडमिशन ले लीजिए तो सर अगली साल हो जाएगा फिर एलिजिबल। अरे अभी 31 तक जब MA कंप्लीट हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके सर ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न? सर जो फोटो कॉपीज है उनमें सेल्फ अटेस्टेड पहले लिखे फिर नीचे अपने सिग्नेचर करें? नहीं तो खाली सिग्नेचर भी कर लेंगे तो माना जाएगा कि आपने अटेस्टेड किया है। ब्लैक पेन से मत करिएगा, ब्लैक पेन से ये लगेगा कि ये क्या बोलते हैं फोटो कॉपी है, ब्लू पेन से करिएगा। और डेट भी सर, डेट भी लिखे साथ में? नहीं डेट मत लिखिए, डेट लिख देंगे तो फिर चलेगा नहीं। बोलिए पुष्पा। हाँ जी सर, प्रणाम सर। जी खुश रहिए, बताइए। सर मैं आपका क्लास 10 मिनट लेट से ज्वाइन। ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रहा था, ये वीडियो मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जो लोग लेट से जुड़े हैं। थैंक यू सर। हाँ बोलिए पुष्पा बोलिए। हाँ जैसे कि सर मेरा ना 2458 आया है marks. नंबर की चिंता मत करिए, जाइए वेरिफिकेशन जाइए। सर सुनिए ना, वही बात है कि मैं ना रहती हूँ हाली शहर में, वही कोलकाता से हूँ, लेकिन मैं अभी मैरिड हूँ तो ये गुजरात में रहती हूँ, तो क्या अच्छा रहेगा जाना? गुजरात में कहाँ रहती हैं? भावनगर। आ जाइए हमसे मिल के जाइएगा। मतलब आ जाइए, मम्मी पापा से मिलने का मन नहीं करता है? बिल्कुल। जॉब कर रही है भावनगर में? जॉब कर रही है? नहीं इनका मतलब मेरे हस्बैंड का जॉब है तो जिस वजह से मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ता है। अरे आ जाइए मम्मी पापा से मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा, आ जाइए। तो सक्सेस हो सकता है ना सर? अरे बाबा अगर आप नहीं जाएंगी तो कंफर्म है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आ जाएंगी तो क्या पता बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए। हाँ जी जी, बाकी निर्णय आपका है, आखिर सिर है आपका। भावनगर में ठीक है, भावनगर में केंद्रीय विद्यालय है जी, तो हमारे गुरु जी हैं वहाँ, साहित्य के गुरु जी डॉक्टर शर्मा सर, कभी समय मिला तो बात करिएगा, मैं बताऊंगा, उनसे मिलिएगा।
चलिए अब मैं जो मुख्य मुद्दा है उसके बारे में दो मिनट बात करके क्लास समाप्त करूंगा। देखिए सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग दीपक जी, बोलिए। सर दो छोटे छोटे प्रश्न है सर। हाँ बोलिए सर। जो आप ओबीसी के बारे में बोल रहे थे, तो जब मैं फॉर्म भरा था सर, तो मेरे पास 2018 का ओबीसी बना हुआ था सर। उसके बाद मैंने सर अक्टूबर 2020 में सर ओबीसी बनवाया एसडीएम का। हाँ तो लेके जाइएगा दोनों, और एक स्टेटस को का आप वो एफिडेविट करा लीजिएगा कि सर इन 3 सालों में या 2 सालों में मैं ओबीसी जो भी लेयर होता है उसी में रहा हूँ, मेरा स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। सर पिछला बार एक डीवी मैंने और किया था सर एसएससी का, किसी अदर पोस्ट के लिए सर था, तो उसमें सर लिखा हुआ था कि आपके पास जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे 3 साल पहले तक का होना चाहिए। वो वन टाइम रिलैक्सेशन दिया था, बाकी आप रूल पढ़ लीजिएगा। रिस्क क्यों लेते हैं आप लोग जबरदस्ती? मान लीजिए फिर आप रिस्क ले रहे हैं, वहां जाकर आपको छांट दे तो आपको लाभ मिलेगा सर, वो तो है। हमेशा सेफ गेम प्ले करिए। और दूसरा प्रश्न जी सर, दूसरा प्रश्न ये था सर कि मेरा डेट पीजीडीटी का सर डेट जो है वो 6 जनवरी था सर, आपसे बात हुई थी पहले भी इस बारे में, तो क्या सर वो बोनाफाइड का मांगिए ना इग्नू से, बोलिए मैंने वो सर पॉइंट बता दिया, आप इग्नू से मांग लीजिए कि मेरा 17 दिसंबर था। मैंने इग्नू से नहीं किया सर, वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया। आपसे मेरी बात हुई थी ना, नालंदा वाले देंगे नहीं, आप उनका सर्कुलर मांग लीजिए आरटीआई करके और उसमें बता दीजिए किस कारण से लेट हुआ है। ठीक है हर्षिता, आप कुछ पूछ रही थी। थैंक यू सर। जी सर वो ईडब्ल्यूएस से ही डाउट है मेरा। मेरा जो सर्टिफिकेट जो मैंने भरा था तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था, तो अब मैंने इस साल रिन्यू करवाया है, तो मुझे एफिडेविट बनवाना चाहिए क्या? नहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। हां बोलिए अभिषेक साहब, बोलिए। जी सर, सर मेरा क्या था सर कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैंने अप्लाई किया था, तो 28 अगस्त 2019 को पहली बार में AWS सर्टिफिकेट बनवाया था सर। हाँ। तो उसके बाद SSC वाले कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्कोर माना जाएगा, तो 21 मार्च तक खत्म हो गया। उसके बाद बनवाए हैं? हाँ उसके बाद सर बनवाए हैं, लेकिन नवंबर में मैंने बनवाया, जुलाई में एफिडेविट आप भी बनवा लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कि स्टेटस को मेरा मेंटेन है, मेरा वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सारा डॉक्यूमेंट यहाँ का है, दिक्कत नहीं है। मेरा तो सारा सर्टिफिकेट कहीं हरियाणा का भी पंजाब अलग अलग जगहों का है, लेकिन मैं अभी कलकत्ता में हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट जब परमानेंट एड्रेस लिखना होगा तो यूपी का लिखिएगा, देवरिया जिला का या जहाँ की आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा जो पीडीडीटी का डिप्लोमा है सर, उसमें मेरे फादर का नाम में स्पेस की प्रॉब्लम है। स्पेस छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर? ये उसके लिए भी एफिडेविट बनवा के लेके जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं, स्पेस चल जाता है। गुजरात में मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरा नाम विनय कुमार शुक्ला है जी, मेरे पिताजी का नाम प्रभात कुमार शुक्ला है जी। गुजरात में जब मैं गया तो मेरा नाम के साथ उन्होंने विनय प्रभात कुमार शुक्ला लिखा है जी। ठीक है, तो अलग अलग जगह की परंपराएं हैं, और प्रभात कुमार एक साथ लिखते हैं, प्रभात और कुमार में स्पेस वो लोग नहीं देते जी जी। ठीक है, तो बोलिएगा सर हमारे स्टेट में ऐसे ही चलता है। चलिए एफिडेविट बनवा लूं या फिर कोई ऐसी बात डाउट है तो बनवा लीजिए, वैसे कोई नहीं पूछेगा। ओके ओके ओके। चलिए अब मैं जो मेन मुद्दा है उस पर थोड़ा सा 2 मिनट बताऊंगा और फिर समापन करूंगा। मेन मुद्दा है, आज एक ताजा खबर आई, काफी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में कि सीटें कम हो गई हैं, एसएससी ने शायद कुछ 70-80 सीट कम कर दिया है, इसको लेकर जो भी किया हो XYZ। देखिए इसको लेके काफी लोग घबराहट में, लेकिन मैं कहूंगा आप लोग घबराइए मत, सबको सिर्फ एक सीट चाहिए और जो एलिजिबल है उनको मिलेगा। दूसरी बात, इसमें बीआरओ की भी पोस्टें थी, शायद 48 सीट थी बीआरओ की। बीआरओ में निशु आप तो एकदम एलिजिबल नहीं थी क्योंकि उन्होंने महिलाओं को मना कर दिया था जी। सर बीआरओ में 19 सीट थी सर, इसमें बीआरओ में जी 19 में महिलाएं तो ऐसे ही कट गई, तो उनको खुशी होनी चाहिए, चलो पुरुषों को भी मौका नहीं मिला। दूसरी बात है कि बीआरओ की जो पोस्ट था, बीआरओ के लिए दौड़ कंपलसरी था, 5 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ना था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा
बड़ी मुश्किल से 0.1% ऐसा बहादुर होगा जो कि वो दौड़ कंप्लीट कर पाएगा 10 मीटर 5 किलोमीटर। लिटरली मैं भी अच्छा धावक रहा हूँ लेकिन अभी मैं भी शायद डरता 5 मिनट में 10 मीटर 5 किलोमीटर 10 मिनट में 5 किलोमीटर 10 मिनट में 1600 मीटर होता है, 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो कोई नहीं दौड़ पाता, ये इन्होंने ऐसे रख दिया था। और दूसरी बात है 1600 मीटर सर, 1600 मीटर नहीं नहीं बीआरओ का मैंने पढ़ा है, उसमें 5 किलोमीटर लिखा है, पढ़ लीजिएगा फिर से। तो उसके बाद दूसरी बात है, मान लीजिए मरते जीते फिजिकल पास कर गए, कहीं मेडिकली अनफिट हो गए, चश्मा नहीं, आर्मी हॉस्पिटल में मेडिकल होगा तो आर्मी के समान वो करेंगे, कोई फ्लैट फुट निकल गया, कोई कलर ब्लाइंडनेस निकल गया, कोई हियरिंग में प्रॉब्लम, किसी का एक दांत कम है तो 2 नंबर उसका घट जाता है। तो फिजिकली फिट मेडिकली अनफिट या मेडिकली फिट फिजिकली अनफिट, तो उस आदमी को नौकरी ही नहीं मिलेगी इस साल वाली, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ था। तो ये 19 तो ऐसे ही बेकार थे। अब रह गई सीनियर, बाकी जो घटी है उसका दुख मुझे भी है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बेगर से नो चॉइस मैं हमेशा बोलता हूँ। तो डिपार्टमेंट से लड़ के लाभ नहीं है, जिनको मिल जाए उनको मेरी शुभकामना है। और मैंने उन मित्रों से भी अनुरोध किया है कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो इस बार कम से कम रहम करें, ठीक है। लगता है कि मुझे घर आना है, पुराने जॉब में दिक्कत है तो वो जरूर आए, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं अरे चलो मैं तो शौकिया दे रहा हूँ ये नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे, तो ऐसे लोग ना जाएं, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि घबराइए नहीं, आप सभी जाइए। जैसे अभी मैडम ने पूछा कि मैं गुजरात में हूँ मैं आऊँ कि ना आऊँ, मान लीजिए 200 नंबर में 80 वालों का हो जाएगा, और आपका SC कैटेगरी किसी का भी मान लीजिए SC कैटेगरी है 210 है, वो नहीं आया तो लूजर रहेगा ना, आने जाने का ही किराया खर्च होगा आपका, आ जाइए, इसी बहाने मम्मी पापा दोस्तों से मिल लेंगे, ठीक है। चलिए सत्र समापन करें, आज्ञा है, फिर अगले सत्र में हम नई बात लेंगे। जय हिंद, कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, चलिए जय हिंद, बाय।